हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम करने जा रहे हैं बोट अवांटे 3000 2.1 साउंड बार का साउंड टेस्ट। जैसा कि दोस्तों हमने इससे पहले आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी है, अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा। क्योंकि दोस्तों आपको भी बताएं, हम साउंड टेस्ट वीडियो में डिटेल पे स्पेसिफिकेशंस एंड फंक्शंस के बारे में बात नहीं करते, सो आप प्लीज अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लीजिएगा। एंड दोस्तों, इस मॉडल का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 10,000 रुपीज। अगर आपको ये मॉडल परचेज करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में परचेज लिंक दे दूंगा, आप वहां पे से परचेज कर लीजिएगा। दोस्तों रेडी रहिएगा, इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। उस पर हम आपको ऑप्टिकल केबल के थ्रू अपने टीवी के साथ इसे कनेक्ट करके दिखाएंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस हमें मिलता है। सो आप सेकंड पार्ट के लिए भी स्टे ट्यून रहिएगा। जैसा कि दोस्तों आपकी डिमांड आ रही थी कि यार बोट के साउंड बार्स का भी रिव्यू करिए, साउंड टेस्ट करिए, सो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यार दोस्तों, आपको अगर हमारा हार्डवर्क पसंद आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो दोस्तों, वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने डिटेल साउंड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, देख लीजिए हमने अपना फोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिए, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा। खयाल आए
फ्रेंड्स कैसा लगा आपको साउंड बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों मतलब मुझे भी इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बढ़िया लगा है। अब जैसा कि आपको पता है यार, साउंड बार तो हम नॉर्मली वैसे टीवी वॉचिंग के लिए परचेस करते हैं, बट अगर आप म्यूज़िक लवर्स हैं तो तभी भी आपको इसमें मतलब साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलेगी। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस इस पर मिला है। जैसा कि इस पर हमें वोकल्स क्वालिटी जो है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, इंस्ट्रूमेंट भी हमें काफ़ी बढ़िया लगे। मतलब हमें हर एक इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल क्लियर इसमें सुनाई दे रहा था, बट दोस्तों हमें लाउडनेस थोड़ी सी यहाँ पे कम लगी है। अब यार साउंड बार है, उस हिसाब से हम कह नहीं सकते कि यार लाउडनेस इसमें हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, बट लाउडनेस मैं इतना कहूँगा आपसे कि डिसेंट है। अगर जैसे आप अपने टीवी से कनेक्ट करते हैं एंड आप मूवी वॉचिंग करते हैं तो उस समय पर आपको ठीक एक्सपीरियंस इस पर आएगा, क्योंकि हमने ऑप्टिकल केबल के थ्रू भी इसे कनेक्ट करा तो उस पर जो टीवी वॉचिंग था, मतलब लाउडनेस हमें उस समय पे तो ठीक लगी है। बट अगर आप जैसे म्यूज़िक लवर हैं एंड अगर आपको लाउड म्यूज़िक सुनना पसंद है तो उस समय पे आपको लगेगा कि यार थोड़ी लाउडनेस इस पर कम हो गई है। सो लाउडनेस में हमें थोड़ी सी कमी लगी है। एंड बेस क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बेस इसका डिसेंट है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि यार बहुत पावरफुल बेस मिलता है, एक डिसेंट क्वालिटी का बेस हमें इस पर मिल जाता है। मतलब बेस फील होगा आपको, इतना मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बेस भी हमें इसका काफ़ी डिसेंट मिल जाता है। बट दोस्तों यार हमें थोड़ी सी कमी इस पर लगी है, मैं आपको बता देता हूँ। इस पर एक तो हमें डिस्प्ले नहीं मिलता है। अब डिस्प्ले नहीं मिलता है तो यार दोस्तों हमें ये नहीं पता लग पाता कि यार अभी जो वॉल्यूम है हमारी कौन से लेवल पे है। एंड जो दूसरी चीज़ हमें सही नहीं लगी इस पर, जैसे हम इक्वलाइजर से कोई भी मोड इसमें चेंज कर रहे हैं तो हमें वो एग्जैक्ट में पता नहीं लग पा रहा है कि अभी ये कौन से मोड में बज रहा है। सो डिस्प्ले अगर इसमें हो जाती तो थोड़ा सा और बेटर हो जाता, इसको यूज़ करने में मतलब आसानी हो जाती। सो डिस्प्ले इसमें देना चाहिए था, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा। अदरवाइज़ मुझे मतलब पसंद आया, साउंड क्वालिटी वाइज तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि आपको भी पता है यार साउंड बार तो नॉर्मली मतलब टीवी के लिए वैसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। बट दोस्तों अगर आप मूवी वॉचिंग के साथ अच्छा म्यूज़िक वाला सिस्टम भी परचेस करने की सोच रहे हैं तो ये दोनों काम एक ही साउंड बार कर देगा। इसमें आपको म्यूज़िक एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा, साथ में टीवी वॉचिंग एक्सपीरियंस भी इसका काफ़ी बढ़िया है। वैसे रेडी रहेगा, पार्ट टू जल्दी आ जाएगा, उसमें हम आपको सीधे इसका ऑप्टिकल के थ्रू साउंड एक्सपीरियंस टेस्ट कराएंगे कि यार कितना बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस हमें मिलता है। साथ में हम आपको कंपेयर करके भी दिखाएंगे ऑक्सिलरी केबल के थ्रू एंड ऑप्टिकल केबल के थ्रू कि साउंड में कितना फ़र्क आता है। सो पार्ट टू के लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा, जल्दी वो वीडियो आ जाएगा। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।